दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अगर खाना अच्छे ऑयल में पके तो स्वाद के साथ साथ सेहत भी अच्छी रहती है। ओलिव ऑयल दोस्तों हार्ट फ्रेंडली तत्वों के कारण यह न सिर्फ आपके डाइट में पोषण का इजाफा करता है बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज और कैंसर जैसे गंभीर रोगों के पनपने के खतरे को भी कम करता है। यह मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और कैंसर के खतरे को भी कम करने में मददगार होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसकी स्टोरेज लाइफ अधिक होती है। इसे फ्रीज भी किया जा सकता है। सोयाबीन ऑयल सोयाबीन वेजिटेबल ऑयल है जो ओमेगा 3 से भरपूर होता है। यह विटामिन ई का बहुत अच्छा स्रोत है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की काफ़ी मात्रा भी पाई जाती है। सनफ्लावर ऑयल दोस्तों इसके लाइट टेस्ट की वजह से बहुत से शेफ इसे ही यूज करते हैं। इसे डीप फ्राई के लिए भी यूज किया जा सकता है। सनफ्लावर ऑयल विटामिन ई से भरपूर होता है। यह कैंसर इन्फेक्शंस और कई बीमारियों से भी बचाव करता है। कनोला ऑयल दोस्तों यह न्यूट्रिशनिस्ट का फेवरेट है और फिजियंस भी इसे रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसमें हृदय रोग के खतरों को कम करने के गुण हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट्स बहुत ही कम होता है। यह मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में मौजूद है। अन्य तेलों के मुकाबले इसमें फैटी एसिड्स का कंपोजिशन सबसे अच्छा और हेल्दी है। नारियल का तेल रिसर्च बताते हैं कि कोकोनट ऑयल से पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यह स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। इसके एंटी एजिंग प्रभाव को भी सभी जानते हैं। सरसों का तेल इसके एंटीसेप्टिक गुणों के कारण यह गले की तकलीफ दमा ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसे रोगों से बचाव का काम करता है। इसके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पाचन शक्ति को बढ़ाकर भूख बढ़ाता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।